नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में कोरोना वायरस दुश्मन को जाने डरे नहीं, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, जो मिथ फैला रखा है उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोरोना क्या है इसको भी बताएंगे। कोरोना एक नया वायरस है, कोरोना एक नया वायरस है। अभी तक इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है, ना ही वैक्सीन है। ऐसे बनाने पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अमेरिका में वैक्सीन का इंसानी टेस्ट शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बाज़ार में आने से कम 1 साल, 1 ईयर, 2 से 2 ईयर तक टाइम लग सकता है। इसलिए बचाव सबसे बेहतर तरीका है। यह वायरस एक शख्स से दूसरे में फैलता है, खांसने छींकने से फैलता है। अगर कोरोना इन्फेक्शन से पीड़ित शख्स को खांसी या छींकें आ जाएं और उससे दूरी 1 मीटर से कम हो, तो स्वस्थ शख्स कोरोना का शिकार हो सकता है। कोरोना वायरस के लक्षण दिखने में 14 दिन का समय लग जाता है। बेहतर है कि हम कुछ दिनों तक अपने घर पर ही रहें। बाहर के लोगों से संपर्क जितना कम होगा, कोरोना फैलने का डर भी उतना ही कम होगा। इस तरह हम खुद भी कोरोना से बचे रहेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। अगर बाहर के लोगों से मिलना जरूरी हो तो कम से कम 1 मीटर का फासला बनाकर रखें। मार्केट, बस, मेट्रो, ट्रेन, अस्पताल आदि स्थानों पर एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अगर घर से बाहर निकलना हो तो ऐसा कम से कम करें। शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए रोज़ कसरत व ध्यान करें और खुश भी रहें। कोरोना वायरस की बीमारी जिन्हें हो जाती है उन सभी की जान नहीं चली जाती है, ज़्यादातर लोग बच जाते हैं। कुछ लोगों के लिए भी बीमारी घातक होती, इसलिए डरे नहीं पर एहतियात जरूर बरतें। कोरोना से ग्रसित होने के बाद ठीक होने में 8 से 37 दिन तक लग जाते हैं। जिनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए उनकी नाम फोटो सोशल मीडिया में शेयर ना करें। हाई रिस्क में सभी नहीं हैं, देख लेते कितना कितनी उम्र के कितने लोग रिस्क में हैं। देश विदेश में कोरोना से मौत का शिकार बने लोगों की उम्र का प्रतिशत क्या है? 10 साल से कम 0% डेथ हुए हैं। 10 से 40 ईयर 1000 में से 2 लोग, यानी कि मृत्यु रेट कितना है? 0.2%। 40 से 50 साल 10 में से 4 लोग, यानी कि परसेंटेज में 0.4%। 50 से 60 साल 1%, और 60 से 70 3.4%, 70 से 88%, और 80 से ऊपर 50%। ये डेथ रेट है, इसीलिए कोरोना से घबराएं नहीं, बचकर रहें। 70 साल से ऊपर के लोगों को सबसे ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अभी तक देश विदेश में जो मौतें हुई हैं उनमें से ज़्यादातर को कोई ना कोई बड़ी शारीरिक बीमारी पहले से थी। इस वजह से उनके फेफड़े पूरी तरह काम नहीं कर रहे थे। अगर किसी की शुगर काबू में नहीं है तो समस्या बढ़ सकती है। हार्ट के मरीज हों तो उनके लिए भी परेशानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैवी नाइस डे।